दो टाइप्स के लिटमस पेपर है, ठीक है। अब एक है ब्लू लिटमस पेपर, एक है हमारे पास रेड लिटमस पेपर, ठीक है। इन दोनों से हम अब टेस्ट करेंगे कि कौन सा चीज़ हमारे पास एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक करके दोनों में से एक एक लिटमस पेपर लेते हैं। हम पहले यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर ले रहा हूँ, ठीक है। फिर एक रेड का ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इन दोनों से मैं सबसे पहले मैं ऑयल से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ऑयल का मैं दोनों डालता हूँ, देखता हूँ कि ऑयल हमारे पास क्या है, एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। ठीक है, ऑयल इसमें कुछ चेंजेस नहीं आया, मतलब ना हमारी बार इसमें ऑयल से हो नहीं सकता, ऐसे हमें करना ही नहीं चाहिए था ऑयल से, क्योंकि ना ही इसमें रेड ना ब्लू वाला हमारा रेड में कन्वर्ट हुआ, ना ही रेड वाला हमारा ब्लू में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। इसे धीरे धीरे हो तो रहा है लेकिन पूरा हो नहीं रहा 100%, इसलिए इसको हम साइड में छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हो रहा है लेकिन पूरा नहीं हो रहा, तो ये ऑयल से हमें करना ही नहीं चाहिए था, एक लिटमस पेपर ऐसे बेकार, ठीक है। ये हमारे इसको छोड़ देते हैं ऑयल्स वाले को, ठीक है। बाकी हम एसिटिक एसिड को लेके करते हैं, तो एक लिटमस पेपर इसमें से निकालते हैं हम, और इसमें से एक निकालते हैं, एसिटिक एसिड में डाल देते हैं। ठीक है, ये देखो ये ब्लू वाला है ना, हल्का सा रेड होते हुए दिखेगा तुम्हें, ठीक है। ब्लू वाला रेड दिख रहा है लेकिन हमारे पास रेड वाला ब्लू नहीं हो रहा है, यानी कि क्या हो गया हमारे पास ये, ठीक है। ये हमारे पास किस में आता है, ये हमारे पास ब्लू वाला जब रेड होता है तो एसिडिक एसिड में चले, एसिडिक होता है, ये हमारा क्या आ गया एसिड में चले गया ये हमारा, ठीक है। ये क्या था हमारा एसिटिक एसिड, एसिड यानी ये एसिड हो गया हमारे पास, तो ये हमारे पास पता चल गया हमारा ये एसिटिक एसिड का था, इसको हम साइड में रखते हैं, ये रेड हो गया। इससे हमें पता चला कि एसिटिक एसिड यानी विनीगर है, यानी कि CH3COOH हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास एसिड में होता है, ये ब्लू कलर का पूरा दिख रहा है हमारा, लेकिन वही हमने इससे किए हमने रेड वाले से, तो ये चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये बेसिक नहीं होता है, मतलब एसिडिक ही होता है। तो हम ऐसे हर चीज़ का दो दो करके देखने वाले, ये हमारा एसिडिक एसिड का हो जाता है, इसको हम साइड कर देते हैं। अब हम आते हैं किस पे आते हैं, हम इसको हम मिट्टी से करते हैं, ठीक है। सॉइल, ठीक है। अब इसका हम ले लेते हैं, ये हमारे पास ब्लू वाला एक आ गया, फिर एक रेड वाले में से ले लेते हैं, रेड वाले में से ले लेते हैं। अब दोनों को हम कितने सॉइल में डाल देते हैं, पहले सॉइल की हम सॉइल सॉल्यूशन हमने बना रखा है, ये मिट्टी का सॉल्यूशन अब देखते हैं। हमने ऐसे ही कोई भी मिट्टी उठा के ले आए हैं मुझसे करते हैं, ठीक है। तो हम दोनों को एक साथ डिप करवा देखता हूँ कि तो क्या एसिडिक होता है या बेसिक होता है, ठीक है। मैंने ज़्यादा डिप किया है, अब देखते हैं हमारे पास। ठीक है, रेड वाले में तो ये कन्वर्ट नहीं हो रहा, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजेस होते जा रहे हैं धीरे धीरे कलर, यानी कि सॉइल भी हमारा एक तरह से एसिडिक में आता है हमारे पास, क्योंकि हल्का सा धीरे धीरे इसका कलर चेंज होता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन इसका कलर चेंज नहीं हो रहा हमारे पास, ठीक है। तो ज़्यादातर ये हमारे पास क्या हो गया, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे साइड करके, ये हमारा सॉइल, ठीक है। सॉइल भी हमारा एसिडिक में आता है, जब हम पीएच पेपर टेस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कि पीएच के हिसाब से, तो ये भी हमारा आता है, इसमें चेंज हो गया, ठीक है। इसके बाद अब हम करते हैं, एक दोनों ले लेते हैं, एक रेड ले लेते हैं, एक ब्लू ले लेते हैं हम, ठीक है। एक रेड ले लेते हैं, ठीक है, दोनों ले लिए। अब हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमारे पास वाटर का सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है जिंजर, ठीक है। जिंजर का हमारे पास क्या आता है, जिंजर है हमारे पास, जिंजर का हमने लिक्विड इसको क्रश करके निकाला है, तो जिंजर का पहले मैं इससे डिप कर देता हूँ इसमें पहले,
डिप कर दिया हमने इसको, देखते हैं चेंज होते हुए। इसमें भी डिप कर दिया हमने, ठीक है। तो इसमें हमें कलर चेंज दिख रहा है, ठीक है, जिंजर वाले में कलर चेंज दिख रहा है हमारे पास। इस वाले में हमें इसका तो डिप ही नहीं हुआ अच्छे से, पहले रुक जाओ, सब गिरा ही देता हूँ अच्छे से। देखते हैं कलर चेंज किस में होते हैं। इसमें हल्का हल्का सब इसमें रेड होते हुए दिख रहा है, लेकिन पूरा रेड नहीं हो रहा। चेंजेस तो इसमें भी दिख रहे थोड़े से, लेकिन पूरा 100% नहीं हो रहा। तो इसको हम साइड में रहने देते हैं। हम इसको एसिडिक बेसिडिक इससे डिसाइड अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे तो करेंगे, ठीक है। ऐसे इसको हम कह सकते हैं ये एसिड में आता है, तो एसिडिक हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि हल्का सा चेंज हो रहा है हमारे पास, ये कलर इसका चेंज हो गया, तो हमारे पास ये एसिडिक में कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम करेंगे लेमन के साथ, ठीक है, लेमन है, लेमन के साथ हम करने वाले हैं, दोनों को हम एक साथ करने वाले हैं। हमारे पास क्या है, लेमन ही, हाँ लेमन ही है, इसके साथ करते हैं। तो पहले रेड वाली को डाल देते हैं, तो चेंज होते हुए दिख ही नहीं रहा हमारे पास, साफ पता चला ये एसिडिक ही होगा, क्योंकि रेड वाले में बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा हमारे पास। ब्लू वाले में देखना, तुरंत चेंज हो जाएगा ब्लू वाले में, यहाँ पे ब्लू वाले में तुरंत चेंज हो जाएगा, पक्का कह रहा हूँ। देखो ब्लू वाले में तुरंत चेंज हो जाएगा, तुरंत चेंज भी हो गया हमारे पास, रेड जैसा दिख रहा है। ये हमारे पास सीधा पता चल रहा है कि हमारे पास ये लेमन जो है, लेमन ही था ना ये, हमारे पास ये एसिड में आता है, हमारे पास ये लेमन का था, ठीक है, ये हमारे पास होता है, ये लेमन का था हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे मिट्टी वाला गिर गया, तो ये लेमन का होगी हमने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। सब पे लिख दिया हमने कौन सा टेस्ट किया हमने इसको। अब हम अगला जो कर रहे हैं, अगला हम करेंगे किसको, टर्मरिन या लेमन को लेके कर लेते हैं, नहीं टमाटो के जूस को लेके कर लेते हैं। एक ये लिया हमने, एक लेमन के इसमें डिप कर रहा हूँ मैं, लेमन में, लेमन नहीं है टमाटो है, गलत तो बता दिया करो। देखो लेमन के साथ पहले ही कलर चेंज कर लिया, समय साफ पता चलता है कि हमारे पास क्या होगा, ये एसिड में ही आता है, ऐसे हम यहाँ लिखेंगे साइड में रखते हैं। इसके साथ भी करके देख लेते हैं, बेस तो हमारा कुछ दिख ही नहीं रहा हमारे पास, अभी तक तो नहीं दिखा एक भी बेस। साफ पता चलिए बेस तो होगा नहीं, तो उसको साइड में रखो। ये भी हमारे पास टमाटो जूस है हमारे पास, ये किस में आ रहा है पेन, ये हमारे पास टमाटो का था ना, ये भी हमारा एसिडिक में ही आ जाता है, ठीक है। तो अगला हम करेंगे किसके साथ, वो टर्मरिन के साथ करेंगे, हल्दी के पानी के साथ। तो ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं ना लिटमस पेपर को लेके, वैसे हम पीएच पेपर को भी लेके करेंगे। आगे दो ठीक है, हल्दी पानी है, इसका तो आधा येलो हो गया,
इसका कलर चेंज हो रहा है इसमें भी। ठीक है, बाकी इसमें करके देखते हैं। इसमें कलर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, कलर चेंज हुआ तो हमारे पास टर्मरिन वाले में ही चेंज हुआ है। पूरा का पूरा अगर देखें तो ऊपर की तरफ हमें ऐसे ही दिख रहा है, रेड रेड ऐसे, इसमें साफ क्लियर विजिबल इसमें हमें दिख जाते हैं। ये हमारा हो गया किसमें, टर्मरिन में। ये भी हमारे पास एसिडिक में आया, अभी तक जितने हमारे पास हैं सारे एसिडिक में आ रहे हैं। ठीक है, इसको साइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगला करते हैं। अब हम जो करेंगे ये हमारे पास ग्लूकोज है, शुगर सॉल्यूशन है, उसके साथ करते हैं। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन के साथ करते हैं। शुगर बोले तो चीनी। ठीक है, बदल लेते हैं इसको पहले, कुछ ज्यादा इसकी थिकनेस कुछ ज्यादा है। इसके साथ कलर चेंज ही नहीं हुआ, इसके साथ कलर हल्का से चेंज हो तो रहा है, पूरा नहीं हो रहा हमारे पास। मतलब ना ही एसिडिक है, ना ही बेस में हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब वो शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ हमारे पास। ठीक है, ना ही इस वाले में, ना ही इस वाले में। ठीक है, हल्का सा चेंजेस हुआ है, लेकिन इसके बेसिस हम ये नहीं कह सकते कि एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, अब हम सॉल्ट सॉल्यूशन को करते हैं, इन नमक पानी को लेकर। ठीक है, अब हम किसको करेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन को लेकर करते हैं। हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, यहाँ पे डालना पड़ेगा हमें, निकल गया ऐसे ही सारा। कोई बात नहीं, वीडियो वहीं रखो। सॉल्ट सॉल्यूशन में इसमें भी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे शुगर सॉल्यूशन में चेंजेस हुए थे ना, वैसे इसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन रेड वाले में कोई चेंज नहीं आया, इस वाले में चेंजेस हुआ था। देखो, ये हमारे पास ये चीनी वाले हैं, यानी चीनी के सॉल्यूशन का, यानी कि शुगर सॉल्यूशन की, ये सॉल्ट सॉल्यूशन का, दोनों में एक तरह के सेम ही दिख रहा है, लेकिन चेंजेस कुछ नहीं दिख रहे हैं। यानी कि हमारे पास क्या आता है ना, बेसिक ना एसिडिक मानते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन तो एसिड और बेस मिला के तो सॉल्ट ही बनाया जाता है ना, हमारे पास इसको हम अलग करके रखते हैं। ठीक है, अच्छे वाले लिटमस पेपर इधर नहीं जाने चाहिए। ठीक है, इसमें हुए थे नहीं हुए थे पता नहीं, कंफ्यूजन है। अब हमारे पास एक आरओ वाटर का बचता है, अब आरओ वाटर का देख लेते हैं, ऐसे डुबो के हम ये निकाल तो ले। दो हमारे पास और बचते हैं तो देख लेते हैं इन दोनों को भी हम। एक हमारे पास आरओ वाटर में पहले ये देख लेते हैं, यहाँ पे आरओ वाटर में चेंजेस हो रहे हैं, यानी हो रहे हैं। अभी देखते हैं इसको, पहले आप ब्लू वाले के साथ भी कर लेते हैं। ठीक है, ब्लू वाले सॉरी रेड वाले के साथ कोई चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन ब्लू वाले के साथ थोड़े से चेंजेस हुए, इस बेसिस पे हम कह नहीं सकते कि हमारे पास किस में आता है, हमारे पास एसिड हो जाता है। ठीक है, एसिड तो ऐसे भी या तो इसको साइड में रखते हैं। अब हमारे पास एक नॉर्मल टैप वाटर जिसे कहते हैं वो आता है, उस पर हम करके देखते हैं। ये छोटा सा एक टुकड़ा इसी से करके देख लेते हैं। ठीक है, इस पर भी कुछ चेंजेस देख लेते हैं फिलहाल पहले, इससे में कुछ चेंजेस तो नहीं हुए,
रेड वाले में देख भी चेंजेस नहीं हुए हमारे पास, ठीक है, इस वाले में ब्लू वाले में ब्लू ही रहेगी। तो ये हमारे पास देखो चेंजेस, अब आप फाइनल रिजल्ट में बताऊँ तो हमारे पास लेमन जूस में पूरा 100% चेंज हमें दिख सकता है, यानी ये एसिडिक है हमारे पास। टमाटो के जूस में भी चेंजेस दिख सकते हैं, यानी कि ये भी हमारे पास एसिडिक है, हमारे पास एसिडिक एसिड, ये भी हमारे पास क्या चेंजेस दिख रहे हैं, यानी एसिडिक है हमारे पास। सोयल में भी हमें चेंजेस दिख जाते हैं हल्का, तो ये हमारे पास एसिडिक में ये भी आ जाता है हमारे पास, इन सब चीज़ में लिया था। और लेमन का हमारे पास कहाँ लिया, लेमन तो ले लिया ना हमने, हाँ लेमन सब का ले लिया। और हमारे पास बाकी एक और है हमारे पास, कौन सा है ये हमारे पास, टमाटो वाले में भी चेंजेस आते हैं हमारे पास, टार्टरिक एसिड होता है इसमें देखेंगे। इसके बाद बाकी हमारे पास ब्लू वाले में चेंजेस नहीं आते, बाकी ये हमारे पास एक इसमें भी चेंजेस हुए, यानी कौन सा है, लेकिन ये सारे चेंजेस हुए हमारे पास, ठीक है। ये सारे चीज़ें हो जाते हैं हमारे पास, पूरा देख सकते हो, ठीक है।